नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर दीपा। मैंने MD नेचुरोपैथी किया हुआ है और ये है हमारे गेस्ट मिस्टर प्रदीप गोयल और मिसेस मंजू गोयल। ये आए हैं हमारे पास नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट के लिए और ये आए हैं गाज़ियाबाद से। इनको फ्यू एलिमेंट्स थे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, जैसे कि डायबिटीज़ है, फिर ब्लड प्रेशर है, और इनको था प्रॉब्लम, डाइजेशन की प्रॉब्लम थी, और बाकी कुछ पेन वगैरह था, और बाकी और प्रॉब्लम थायराइड की प्रॉब्लम थी, और प्रोस्टेट की भी थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, उनको प्रोस्टेट एनलार्जमेंट था। तो ऐसे काफ़ी सारे एलिमेंट्स थे इनके। तो अब हमारे सामने ये उनका एक्सपीरियंस बताएंगे और उनका फीडबैक बताएंगे कि उनको कैसा लगा नेचुरोपैथी में। मेरा नाम प्रदीप कुमार गोयल है, मैं भारत सरकार से रिटायर्ड एडवाइज़र हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से। ये मेरी पत्नी मंजू जी हैं, जो कि PG कॉलेज के प्रिंसिपल भी रह चुकी हैं और वहाँ पे हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट थी होम साइंस की। और हम लोग गाज़ियाबाद से यहाँ पे आए हैं, पहली दफ़ा नेचुरोपैथी कराया, और मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 10 दिन में कुछ कमाल हो जाएगा, लेकिन वाकई कुछ कमाल तो हुआ है। मैंने यहाँ पे 6 सितंबर 2018 से अपना ट्रीटमेंट मेरा और मेरा वाइफ का हुआ था, और जो 10 दिन चला, हमें एक तो शुगर में फ़र्क पड़ा कि हमारा शुगर थोड़ा कंट्रोल हो गया। डॉक्टर साहब के एडवाइस पे हमने कुछ दिन अपनी जो दवाई खाते थे वो भी नहीं खाई, फिर भी हमारा शुगर कंट्रोल में चलता रहा था। उसके अलावा जनरल जो हमें थोड़ी सी वीकनेस वगैरह लगती थी उसमें भी हमें फ़र्क पड़ा है, और लाइट फील कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो हमें यहाँ की अचीवमेंट दिखाई दी वो मेरी वाइफ को है, जो खुद बताएंगे। मेरा स्टमक में, लोअर एब्डोमेन में बहुत पेन रहता था और पिछले 25-30 साल से चल ही रहा था। स्टूल पास करने के बाद हमेशा आधा घंटे तक बहुत पेन रहता था, वो पेन अब बिल्कुल ख़त्म हो गया है। आई एम फीलिंग वेरी लाइट और बहुत खुश हूँ मैं। डॉक्टर दीपा और उनकी जो टीम है, डॉक्टर निधि, डॉक्टर मनीष और एक सोनल भाई जी हैं, उन सब ने हमारी इतने अच्छे से केयर की है कि हम उससे ट्रीटमेंट से बहुत ही सेटिस्फाइड और खुश हैं, और अपनी बीमारियों से पीछा छुड़ाकर हम और भी ज़्यादा प्रसन्न हैं। मैं एक बात और एक्सप्लेन करना चाहूँगा, पिछले 25-30 साल से मुझे इतना मानसिक तनाव होता था, जैसे ये चाहे दिन में 2 दफ़ा स्टूल पास करें या 3 दफ़ा, जब भी बाहर आए मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, और उससे बहुत चिड़चिड़ापन होता था। ज़रा मैं इनसे कुछ बोलूँ तो एकदम से मेरे ऊपर चिड़चिड़ा के बोलती थी, शाउट करती। ये कमाल की चीज़ हुई है, मतलब मैंने एलोपैथी ट्राई कर ली, होम्योपैथी ट्राई कर ली, आयुर्वेदिक का ट्रीटमेंट भी लिया, लेकिन ये चीज़ ठीक नहीं हुई थी। हैट्स ऑफ टू नारायण सेवा संस्थान और डॉक्टर दीपा, डॉक्टर निधि, डॉक्टर मनीष और सोनल जी, जिन्होंने हमारे को इतना अच्छा यहाँ पे जो हमारे 10 दिन रहे, हालांकि बड़ा हमें जो खाने पे बड़ा कंट्रोल था, हमें लगता था हम कैसे खा रहे हैं, हम तो अपने घर पे ऐसा खाना नहीं खा सकते थे कभी, लेकिन उन्होंने जिस प्यार से और उससे हमें यहाँ समझाया, ट्रीट किया, हमने वो सब कुछ खाया और बहुत ही अच्छा। सुबह 8 बजे आते थे और शाम को 5 बजे जाते थे, बीच में 2 घंटे हमारा खाना भी वो चेक करने आती थी कि कहीं हम चुपके से नमक तो नहीं डाल रहे। कभी मैंने एक दफ़ा काली मिर्च डालनी शुरू करी तो उनको लगा मैं नमक डाल रहा हूँ, तो फ़ौरन उनका, ये क्या कर रहे हैं आप। इतना ध्यान, हैट्स ऑफ टू बाऊजी जिन्होंने, कैलाश मानव जी और भैया जी प्रशांत अग्रवाल जी, उनके मैनेजमेंट में ये जो चीज़ हुई है कमाल की चीज़ हुई है। और हम बार बार यहाँ आएंगे हर 6 महीने बाद फॉलोअप ट्रीटमेंट के लिए, ताकि हमें जो और परमानेंट शुगर का और जो थायराइड का और जनरल डेबिलिटी का फ़ायदा हो। थैंक्स टू नारायण सेवा संस्थान। थैंक्स।